लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा वोट दे दिया अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी, ये भागीदारी का काम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इस पर बल देना चाहिए। और आपने अनुभव किया होगा जब नेचुरल कैलेमिटी होती है सरकार से ज्यादा समाज की शक्ति लग जाती है और हम कुछ ही पलों में देखते हैं कि उस समस्या के बाहर निकलने में ताकत आ जाए। क्यों? जनता जनार्दन की ताकत बहुत होती है। लोकतंत्र में जनता पर जितना भरोसा करेंगे, जनता को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, परिणाम मिलेगा। सरकार बनने के बाद मैंने टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया। अब कल्पना करें सरकार बना पाती? सरकार तो पहले 5,000 बनाती होगी, तब 10,000 बना दी, कहेगी अरे पुरानी सरकार 5,000 बनाती, मोदी की 10,000। 10,000 से काम कब पूरा होगा भाई? जनता ने उठा लिया, काम पूरा हो गया। और जनता की ताकत देखिए, भारत में सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे के अंदर कंसेशन है टिकटों में। मैंने आकर के सरकार में कहा कि भाई अंदर लिखो तो सही, आप जो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरता है लिखो तो सही कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैं मेरा बेनिफिट जाने देना चाहता हूं। सिंपल सा था, प्रधानमंत्री के लेवल पर मैंने कभी अपील भी नहीं की थी। आप सबको आश्चर्य होगा, जो हिंदुस्तान की विशेषता देखी है, हिंदुस्तान के सामान्य मानवीय की देशभक्ति देखी है, अभी अभी हमने निर्णय किया था, अब तक 40 लाख सीनियर सिटीजन्स जो एसी में ट्रैवल करने वाले लोग हैं उन्होंने वॉलेंटरली सब्सिडी नहीं लेंगे ऐसा लिख करके दिया और वो पूरी टिकट देकर के जाते हैं। अगर मैं कानूनन करता कि अब सीनियर सिटीजन को एसी कोच में ये बेनिफिट बंद, तो जुलूस निकलता, पुतले जलते, अब फिर पॉपुलैरिटी रेटिंग आता, मोदी गिर गया। देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, देश के लिए जीने मरने वाले कुछ न कुछ करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम लोगों का काम है देश के सामर्थ्य को समझना, उनको जोड़ना। और मेरी ये कोशिश है कि हमने सरकार ने ही देश चलाना है, ये सरकार जो अहंकार है उस अहंकार को सरकारों ने छोड़ देना चाहिए। जनता जनार्दन ही शक्ति है, उनको लेकर के चले, हम चाहे वैसा परिणाम जनता ला करके दे देगी। और इसलिए मैं जनता के साथ मिलकर के काम करने के विचार को लेकर आगे बढ़ रहा हूं।